everyone I hope everyone is doing well <coughs> so we are here with the chapter 7 that is structure organization of animals ye aapka last chapter hai of a unit 2 fine this so is the last chapter of a unit 2 तो जब हम unit two की बात कर रहे हैं और उसमें ये structure organization animals की बात कर रहे हैं हमने morphology पढ़ ली anatomy पढ़ ली plants की पर जब स्ट्रक्चुर ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स की बात आ रही है तो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं मोफोलॉजी भी पढ़ने वाले हैं और अनाटमी भी पढ़ने वाले हैं फाइन हमने दोनों लेवल्स पे पढ़ना है मोफोलॉजी लेवल पे भी पढ़ना है और अनाटमी लेवल पे भी पढ़ेंगे ठीक है तो एक जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ठीक है उसके पास डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ठीक है थीके? कि उनको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता है ठीक है तो उसमें उनके चार में इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ठीक है एक होता है सेलुलर लेवल फाइन एक होता है टिश्यू लेवल एक होता है ऑर्गेन लेवल और एक होता है ऑर्गेन सिस्टम लेवल फाइन तो हम इसी के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जब हम टिश्यू लेवल के बारे में पढ़ते हैं ठीक है अब यही होगा पहले हम सेलुलर लेवल के बारे में टिश्यूज़ के बारे में आज क्वेश्चन जो होंगे इन्हीं के रिवॉल्व करेंगे जो देन विल टॉक अबाउट द ऑर्गन्स ऑल्सो ऑर्गन ऑर्गेन सिस्टम में जब हम फ्रॉग्स के बारे में कॉकरोच एनिमल्स के बारे में उनकी मोफोलोजी उनकी अनैटमी कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे तो मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट द फ्रॉग कॉकरोच है ना जो आपके सिलेबस में है अबाउट द अर्थ वॉर्म हो गया ये कुछ हैं जिनके बारे में विल we'll डिस्कस और फिश के बारे में ठीक है ये कुछ चीज़ें जिनके बारे में हम डिस्कस uh, करेंगे उनके ऑर्गन सिस्टम्स पढ़ेंगे या उनका ऑर्गन लेवल्स पढ़ेंगे उनकी किडनी कैसे फंक्शन करती है किडनीज होती हैं नहीं होती हैं फाइन सो हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे सबसे पहले हमें उससे पहले एक टिश्यू लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं ठीक है हमें वो पता होना चाहिए ऑर्गन लेवल्स पढ़ेंगे तो उसी के रिलेटेड वी विल कीप ऑन डूइंग तो आज हम सेलोर टिश्यूज पे ही तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चन कंप्लीट आउट हो जाएंगे नेक्स्ट में विल गो फॉर योर फर्स्ट विल टॉक अबाउट लेट्स की फ्रॉग और कॉकरोच कवर कर लेंगे एंड देन विद योर यर्थ एंड फिश ठीक है तो ऐसे ही चलेगा ठीक है जब <coughs> जब एक टिश्यू टर्म की बात आती है ठीक है तो ये टिश्यू टर्म दी किसने थी अगर तुमसे कोई पूछ ले टिश्यू टर्म किसने दी थी टिश्यू टर्म दी थी बिचेट ने ठीक है ये टर्म दी थी बिचेट ने और इसको फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी कहा जाता है क्या कहा जाता है फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी एक क्वेश्चन तुम्हारा यहीं से निकल गया कि फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी किसको कहा जाता है बिचट को और कॉइन किसने की थी टर्म ने की थी ठीक है सबसे पहले जब हम एनिमल टिश्यूज की बात करते हैं क्योंकि तुम्हारे क्वेश्चन मोस्टली यहीं से इसी लेवल पे हैं तो एक इनकी पिक्चर ले लेते हैं कि एनिमल टिश्यू कितने टाइप का होता है वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस और किसके रिलेटेड तुम्हारे क्वेश्चन होने वाले हैं ठीक है आई होप आई एम क्लियर लेट्स मूव ऑन टू द पिक्चर ठीक है ये है तुम्हारा एनिमल टिश्यू नाउ सी द डायग्राम यहीं से हम एक्सप्लेन करेंगे और एक आपको एक एक क्रक्स मिल जाएगा कि ये हर एक चीज टिश्यूज डिफरेंट टाइप के जो होते हैं वो क्या फंक्शन उनके होते हैं ठीक है थीके? जो तुम्हारा एनिमल टिश्यू होता है ठीक है अब वो फोर टाइप्स का होता है कितने टाइप का होता है चार टाइप का होता है एक होता है मस्कुलर टिश्यू एक होता है कनेक्टिव टिश्यू एक होता है नर्वस टिश्यू और एक होता है एपिथीलियल टिश्यू ये चार टाइप के होते हैं एंड <coughs> और ये इनके फंक्शंस डिपेंड करते हैं जो इनके सेल्स परफॉर्म करते हैं अब जो ये टिश्यू एनिमल टिश्यू ये क्या करते हैं कॉज करते हैं मूवमेंट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स की क्या करता है मूवमेंट कॉज करता है ठीक है अब देखते हैं <coughs> सेलुलर लेवल पे ये किस किस चीज से बना है ये टिश्यू किससे बना है जो तुम्हारा मस्कुलर टिश्यू है वो मीजोडर्म से बना है एम फॉर मस्कुलर एम फॉर मीजोटर्म यू कैन रिमेंबर दिस ठीक है करेक्टिव टिश्यू भी तुम्हारा मीजोडर्म से बना है ठीक है सिर्फ एक तुम्हारा नर्वस टिश्यू है जो एक्टोडर्म से बना है और तुम्हारा एपिथिलियर मीजो एक्टो एंडो तीनों से बना हुआ है <coughs> समझ आ गया इतनी चीजें तो तुम्हें पता चल गई ठीक है तो हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा कि जो मस्कुलर टिश्यू है और कनेक्टेड टिश्यू है दोनों मीजोडर्म से बने हैं नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से और एपिथीलियर टिश्यू तीनों लेयर से बना होता है ये सेल लेवल पे बात हो रही है ठीक है मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन है कि ये मूवमेंट करेगा एक्सटर्नल और इंटरनल ऑर्गन्स की ठीक है जो कनेक्टिव टिश्यू है ये ज्वाइन करता है सपोर्ट करता है और होल्ड करता है सारे टिश्यू टुगेदर को और स्टोरेज में हेल्प करता है जो कनेक्टिव टिश्यू होता है ये कंट्रोल करता है जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है या नर्वस टिश्यू है ये क्या करता है कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है वेरियस फंक्शंस जो होते हैं ऑर्गेन के ठीक है और जो तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू है वो क्या करता है ऑब्वियसली प्रोटेक्ट करता है सरफेस को क्या करता है प्रोटेक्ट करता है फ्री सरफेस ऑफ द टिश्यूज को सिक्रीट करता है एब्जॉर्ब करता है या एक्सक्रीट करता है वेरियस सब्सटेंसेस एक्सचेंज एरियाज होते हैं फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस इन द बॉडी ठीक है सो so, इस लेवल पे है ये तुम्हारे मेन फंक्शंस हैं और इन्हीं टिश्यूज पे तुम्हारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यू शुड नो इट क्योंकि इनके भी फर्दर सब टाइप्स हैं ठीक है थीके? इन हर एक टिश्यू का भी सब टाइप है जिसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है सो यू शुड नो अबाउट इट उनके भी करेक्टिस्टिक्स हैं इनके भी फर्दर टाइप्स हैं ठीक है, है आ, जैसे एपिथीलियल स... टिश्यू <coughs> का ही होता है सिंपल एपीथीलियम स्कैमस एपीथीलियम क्यूबॉइडल एपीथीलियम या हम जैसी क्वेश्चन चलता जाएगा विल टॉक अबाउट इट ओके नाउ विदाउट वेस्टेड टाइम विल मूव टू द क्वेश्चन और वहीं पर हम एक्सप्लेन आउट कर लेंगे ओके लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कौन सा फंक्शन नहीं परफॉर्म करता ए डाइजेशन बी रेस्पायरेशन डी सी प्रीप्रोडक्शन और डी न्यूरल कोऑर्डिनेशन ठीक है सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर कौन सा फंक्शन यूनिसेल्यूर ऑर्गेनिज्म नहीं परफॉर्म करता दैट इज डी देखो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन होती है जब हम यूनिसेल्यूर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं मतलब उसके पास एक सिंगल सेल है क्या है सिंगल सेल अब जब हम सिंगल सेल की बात कर रहे हैं <coughs> तो जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में ना हमें कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सेल्स चाहिए होते हैं मतलब मोर देन वन सेट ऑफ सेल्स चाहिए होते हैं कि वर्कआउट कर सके कि अपना एक फंक्शन परफॉर्म कर सके ठीक है तो एक सिंगल सेल में नहीं हो सकता ठीक है और ये कोऑर्डिनेशन होता है बिटवीन डिफरेंट सेल्स यू नो दैट ठीक है सो दिस इज दिस इज अ डिफिशंसी विच इज प्रेजेंट इन यूनिसेलो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलो ऑर्गेनिजम एंड यूरल कॉर्डिनेशन नहीं होती है सो डी इज योर करेक्ट आंसर ओके चलिए नेक्स्ट ह्यूमन बॉडी इज कंपोज ऑफ हाउ मैनी सेल्स ए बिलियंस बी मिलियंस सी ट्रिलियंस और डी कॉड्रिलियंस हमारी बॉडी में ये इंपॉर्टेंट है सबको पता होना चाहिए ओके, सो ये करेक्ट आंसर इज सी ट्रिलियंस ओके जो हमारी बॉडी है वो एक कंप्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो ट्रिलियन ऑफ सेल्स कंटेन करती है ठीक है और ये सेल्स एग्रीगेट करते हैं ठीक है ये एग्रीगेट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं टिश्यू जो इंटर्न जो टिश्यू है वो क्या फॉर्म करता है एग्रीगेट करता है और क्या फॉर्म करता है ऑर्गेन ठीक है और ऑर्गेन्स फर्दर एक सिस्टम बनता है जिसको आगे कहा जाता है ठीक है ना ये कोऑर्डिनेट करते हैं कि ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म कर सके सो देर अबाउट थर्टी सेवन पॉइंट टू ट्रिलियन सेल्स हैं हमारी बॉडी में अगर तुम्हें आ जाए एक ट्रिलियन तो आपको पता है तो कितने थर्टी सेवन पॉइंट टू ट्रिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं हमारी बॉडी में सो सी इज यो करेक्ट आंसर फाइन चलिए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज डिराइड फ्रॉम ऑल द थ्री जर्मिनल लेयर तीन जर्मिनल लेयर्स जो आपने पढ़ी हैं आपने इन द मोफॉल सॉरी इन योर अनाटमी ऑफ प्लांट्स में पढ़ा होगा उसमें सेल्स की लेयर्स होती हैं सो कौन सी तीन जर्मिनल लेयर्स से टिश्यू डिराइव होता है जिसको तीन लेयर्स रिक्वायर्ड होती हैं ए कनेक्टिव बी एपिथेलियल सी मस्कुलर और डी न्यूरल टिश्यू सबको आंसर पता है अभी हमने डिस्कस किया सो <coughs> so, इन योर डायग्राम आई यू बी टिश्यू इज डिराइड फ्रॉम किससे बना होता है तीन लेयर्स चाहिए होती है एक्टोडर्मोडर्म एंड एंडोडर्म फाइन तो एपिथेलियल टिश्यू को ये तीन लेयर्स रिक्वायर्ड होती है ठीक है तुम्हें बाकी पता है ना जो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू किससे बना होता है मीजोडर्म से किससे बना होता है मीजोडर्म और न्यूरल टिश्यू किससे बना है तुम्हारा एक्टोडर्म से ठीक है सिर्फ एक जो तुम्हारा दैट इज एपिथिलियल टिश्यू है जो मीजोडर्म एक्टोडर्म और एंडोडर्म से बना है इट रिक्वायर थ्री जर्मिनल लेयर्स ओके सो बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय एपिथिलियल टिश्यू कौन सा फंक्शन है जो एपिथिलियल टिश्यू नहीं परफॉर्म करता ए प्रोटेक्शन बी सिक्रेशन सी एब्सॉर्बेशन और डी कंडक्शन ओके जब हम तुम्हारे इसकी बात करते हैं अबाउट योर एपिथिलियल टिश्यू ठीक है तो बेसिकली एपिथिलियल टिश्यू क्या है <coughs> जो तुम्हारा एपीथीलियल टिश्यू होता है वो क्या है उसको बेसिकली हम एपीथिलियम भी कहते हैं क्या कहते हैं एपीथीलियम भी कहते हैं ठीक है एक चीज़ एंड नेक्स्ट जो है ये कंजिस्ट करता है वन और मोर लेयर का मतलब इसमें हमेशा एक या उससे ज़्यादा लेयर्स होती हैं ठीक है ठीके? जो कंपैक्टली अरेंजड होती हैं मतलब बहुत पास पास इसकी लेयर होगी जैसे अगर एक सेल की लेयर है ये बहुत कंपैक्टली अरेंज्ड होते हैं ओके okay? और ये बहुत सारे इंटरनल सर्फेसिस पे पाई जाती है ऑफ मेनी बॉडी पार्ट्स ओके यू शुड नो दैट ठीक है अब जो एपिथिलियम होता है मोस्टली इसकी क्या होती है दो लेयर्स होती हैं ठीक है इसकी आउटर थिन लेयर होती है थिन लेयर होती है ठीक है थीके? जो किसकी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की एंड म्यूकोपोलीसेराइड की फाइन और अंदर की एक लेयर होती है दैट इज इनर थिक लेयर होती है क्या होती है इनर थिक लेयर है ठीक है जो किसकी बनी होती है कॉलेजन की और या रेटिकुलर फाइबर्स की बनी होती है फाइन ओके okay. तो ये चीज होती है अब uh, इसमें क्या होता है अगर आप देखोगे ना एपिथेलियम में क्या होता है कि बहुत सारे टाइट जंक्शन होते हैं आप भी हमने बात की कि ये बहुत पास पास होते हैं तो इसमें क्या होता है टाइट जंक्शन होते हैं इस पर भी क्वेश्चन आएगा हमने डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शंस भी पढ़ने एक टाइट जंक्शन होता है गैप जंक्शन होता है ठीक है टाइट जंक्शन गैप जंक्शन और एक होता है एंडियरिंग जंक्शन ठीक है तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे जाके ओके सो दिस यू शुड नो अब बात करेंगे अबाउट द फंक्शन ऑफ़ द एपीथीलियल टिश्यू तो ये क्या करता है प्रोटेक्शन सिक्रीशन एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन तो कौन सी चीज़ नहीं परफॉर्म करता है डी कंडक्शन अगर आपको पता होगा तो एपीथीलियल टिश्यू की जो लेयर होती है अभी हमने वहाँ पर फंक्शंस भी पड़े जो आपको डाइग्राम दिखाई थी कि वो प्रोटेक्शन करता है सिक्रीशन में हेल्प करता है इवन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है फाइन बट उसकी कंडक्शन नहीं होती है ठीक है जो कंडक्शन है वो बेसिकली कौन करता है दैट इज द न्यूरल टिश्यू फंक्शन किसका है न्यूरल टिश्यू का फंक्शन है ओके सो यू शुड रिमेंबर दिस फंक्शंस आपको हर एक टिश्यू के पता होने चाहिए ठीक है इट इज इंपॉर्टेंट ओके तो हमें पता है ये प्रोटेक्ट करता है कौन से सर्फिस जो होते हैं टिश्यूज के ठीक है फिर सिक्रीट करता है वेरियस सब्सटेंसेस एब्जॉर्ब करता है वेरियस सब्सटेंसेस एक्सचेंज ऑफ वेरियस एक्सचेंज टेक प्लेस करता है इन बिटवीन वेरियस एरियाज इन द बॉडी ठीक है इसी के थ्रू टेक प्लेस करता है और हमने अभी क्या बोल रहा है एपिथिलियल टिश्यू में क्या होते हैं टाइट जंक्शन होते हैं दिस ऑल्सो यू शुड नो सो डी इज योर करेक्ट वन ओके नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सिंपल एपिथिलियल टिश्यू इनमें से कौन सा सिंपल एपिथिलियल टिश्यू नहीं है ए कैमल बी क्यूबॉइडल सी कॉलमर और डी कंपाउंड सो योर करेक्ट आंसर इज डी कंपाउंड एपिथेलियम ठीक है अगर आप टाइप्स पढ़ेंगे ठीक है जो एपिथीलियल टिश्यू होता है ना वो कितने टाइप का होता है सिंपल अगर हम एपिथेलियल टिश्यू की बात करें ठीक है जो तुम्हारा एपिथेलियल टिश्यू है वो दो टाइप का होता है सिंपल और कंपाउंड ओके सिंपल जो होता है ठीक है वो सिंगल लेयर होती है एपीथीलियल सेल्स की जो सीधा बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ रेस्ट करता है ये तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसी के ऊपर तुम्हारी एक लेयर होती है ठीक है ठीक है कैविटीज हो, हो गई या जहां डक्ट्स होंगे वहां पाया जाएगा ठीक है एक ये चीज अब ये जो है सिंपल एपिथीलियम भी तीन टाइप का होता है कितने टाइप का होता है तीन टाइप का होता है एक होता है क्यूबॉइडल एपीथीलियम uh, और कॉलमिनर एपीथीलियम तो सिंपल कितने टाइप का होता है ए बी सी ये तीनों है डी के कंपाउंड ये एपीथीलियम का डिफरेंस है ठीक है ये उसका टाइप है ना कि सिंपल एपीथीलियल का सोर करेक्ट आंसर इज डी इट इज नॉट द दिस वन ओके तो सिंपल एपीथीलियल टिश्यू थ्री टाइप का होता है दैट इज स्केमस क्यूबॉइडल एंड कॉलमर ओके चले नेक्स्ट इन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस द स्केमि एपिथिलियम इज नॉट फाउंड स्केमिथिलियम कहां नहीं मिलेगा ठीक है आपको यह बताना है ए वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स बी एयर सैक्स ऑफ लंग्स सी लंग्सिया या डी बाउमेंस कैप्सूल ओके चले अब जो तुम्हारा ये सिंपल एपिथिलियम ही हो है ना टाइप है जो स्केमिस एपिथीलियम होता है ये भी सिंगल लेयर होती है ठीक है ये सिंगल लेयर होती है फ्लैट एंड सेल्स की फाइन एंड ये फाउंड होता है कहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए ये आपको हर एक टिश्यू का पता होना चाहिए कहाँ कहाँ मिलते हैं तो ये कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है इन ब्रोंक्यूल्स ठीक है लंग्स की ब्रोंक्यूल्स में पाया जाता है एलविलाय में पाया जाएगा फाइन लंग्स की देन वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है ठीक है देन लिम्फ वेसल्स में होता है फाइन फिर बाउमेंट कैप्सूल में होता है ओके देन थिन सेगमेंट ऑफ डिसेंडिंग लूप हो गई ओके देन इंटरनल एयर में होता है हार्ट में होता है ठीक है तो हमने अभी अभी ही डिस्कशन की कि तुम्हारी जो एपिथीलियम है वो कहाँ कहाँ दिखेगा या तो बॉडी कैविटीज़ में दिखेगा या तो जहाँ ट्यूब्स होंगी या तो डक्ट्स अब कैविटीज हैं तो वहाँ ब्रोंक्यूल्स और एलविला आ गया ट्यूब्स की बात आई या डक्ट्स आ गए लिम्फ वेसल्स वगैरह आ गई ब्लड वेसल्स आ गई और बाउमेंस कैप्सुल्स वग़ैरह जो आते हैं ये तुम्हारी डक्ट्स वगैरह यहाँ से निकलती है जो किडनी का पार्ट है ठीक है तो स्केमस एपिथीलियम उसका पार्ट आ गया तो इसका आंसर क्या है सिक्स का कहा नहीं पाया जाता वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स में है एयर सैक्स में भी है और बाउमेंस में भी है कौन से में नहीं है दैट इज ट्रैकििया सो सी इज द करेक्ट आंसर और यू कैन से यहां पे ट्रैकिया में नहीं दिखता उसकेमिसे पिथिलियम ओके सो सी इज द आंसर अब ऐसे ही तुम्हें ना क्यूबॉइडल एपिथीलियम के बारे में भी पता होना चाहिए ये क्वेश्चन तुम्हें ऐसा भी आ सकता है क्योंकि इसी का टाइप है तो इसकी जगह ये भी हो सकता है बताइए कि क्यूबॉइडल एपीथीलियम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं है, है ना क्यूबॉयडल में क्या क्यूब -like होता है क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है फाइन और ये कहाँ पाया जाता है डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है यू शुड नो दिस ओके डक्ट्स ऑफ ग्लैंड में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है प्रोक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूब्यूल्स में फिर डिसेंडिंग लिब ऑफ हैनल्स लूप में पाया जाता है मोस्टली किडनी पार्ट की बात हो रही है ओके okay? डक्ट्स में पाया जाता है देन नेफ्रॉन्स ऑफ किडनी में पाया जाता है जो तुम्हारी डक्ट्स uh, होते हैं ट्यूब्स होती हैं ठीक है इनर एयर में पाया जाता है सेम एज दैट जो ऑलमोस्ट सेम है पर ये ज़्यादा ग्लैंड्स और उसमें है ये जो थी ऊपर के पार्ट्स में थी और स्वेट ग्लैंड्स में पाया जाता है ठीक है यू शुड नो अबाउट इट ओके फाइन चले नेक्स्ट वेयर इज ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथिलियम फाउंड जो ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथिलियम है वो कहां मिलता है ए डिस्टल कॉन्विलेटेड टिब्यूल बी प्रोक्सिमल कॉन्विटेटेड टिब्यूल सी कलेक्टिंग और डी कलेक्टिंग ट्रिब्यूल तो ये ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम कहां होता है सो करेक्ट आंसर इज इट इज बी दैट इज प्रोक्सीमल कॉन्विटेड टिब्यूल ओके कहा होता है प्रोक्सीमल कॉन्विलेटेड टिब्यूल में जो ब्रश बॉर्डेड क्यूबॉइडल एपिथीलियम है ना ये वहां पे पाया जाता है ठीक है और यहाँ पे क्या होती है सेवेंटी परसेंट तुम्हारी रिएब्जॉर्प्शन होती है इसी पार्ट में होती है ना ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेट की अगर आपने ये पढ़ा होगा तो यू शुड नो दैट ठीक है तो यहीं पे ये वो पार्ट है जहाँ पे तुम्हारी सेवेंटी परसेंट ऑफ री होती है और इस एपिथीलियम के पास क्या होता है माइक्रोविलाए होते हैं क्या होते हैं माइक्रोविलाए ठीक है तो ये माइक्रोविलाए बेसिकली हेल्प करते हैं फॉर द री एब्सॉर्प्शन के लिए किसके लिए हेल्प करते हैं फॉर योर री एब्जॉर्प्शन ये क्या होती हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं लाइक प्रोजेक्शंस ठीक है सो बी इज योर करेक्ट आंसर चले नेक्स्ट व्हाट आर द क्यूबॉइडल और कॉलमल सेल्स When they bear जब इनके पास सीलिया होता है तो उनको क्या बोला जाता है ए सीलिएटेड एपिथीलियम बी फ्लैचलेटेड सी कॉन्विलेटेड एपिथीलियम और डी ब्रश बॉर्डेड एपिथीलियम तो इनको क्या बोला जाएगा ओके <coughs> okay. जो तुम्हारा क्यूबॉइडल और कॉलोनल सेल्स होते हैं जो बेयर करते हैं सीलियम उनको क्या बोला जाता है ए सीलिएटेड एपिथीलियम, ओके इनका फंक्शन क्या होता है कि ये मूव करता है पार्टिकल्स को या म्यूकस को ठीक है एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में फाइन सो ए इज योर करेक्ट आंसर चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलिंग इज नॉट द सिक्रीशन ऑफ एक्जोक्राइन ग्लैंड कौन सी जो है सिक्रीशन नहीं है एक्जोक्राइन ग्लैंड की ए म्यूकस बी सिलाइवा सी हॉर्मोन्स और डी एयरवैक्स ओके बेसिकली योर करेक्ट आंसर इज सी सी हॉर्मोन्स ओके जो तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है ना ये क्या सिक्रीट करता है म्यूकस एयर वैक्स ऑयल मिल्क फाइन डाइजेस्टिव इंजाइम ओके okay? एंड ये रिलीज कहाँ से होते हैं फ्रॉम डक्ट्स और ट्यूब्स कहाँ से रिलीज होते हैं डक्ट्स और ट्यूब से होते हैं ये होता है एक्जोक्राइन ग्लैंड ठीक है अगर तुम्हें पता होगा ना तो एक ग्लैंडुलर एपीथीलियम होता है क्या होता है ग्लैंडुलर एपीथीलियम होता है इट इज़ अ टाइप ऑफ एपिथिलियम ओनली ठीक है अब ये जो ग्लैंडुलर एपीथिलियम होता है ये फर्दर डिवाइड होता है यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड में ठीक है एक होता है यूनिसेलुलर एक होता है मल्टी सेलुलर ऑन द बेसिस ऑफ द सेल्स नंबर ऑफ सेल्स कितने होते हैं फिर होता है इसका टाइप होता है एक्जोक्राइन और एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये इंपॉर्टेंट है ठीक है जो तुम तो, uh, ये किस बेसिस पे होता है ऑन द बेस ऑफ द सिक्रीशन ओके फाइन सो इट इज इंपॉर्टेंट यू शुड नो दिस ये ग्लैंडुलर एपिथीलियम से ही बना होता है ओके okay? जो तुम्हारा ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है ठीक है ये क्या सिक्रीट करता है ये तुम्हें मैंने बता दिया म्यूकस लाइव एंड दिस जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ये क्या सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स क्या सिक्रीट करते हैं हॉमोन्स ओके तो इसमें क्या होते हैं मोस्टली ग्लैंड होते हैं और डक्ट्स होती हैं उसमें होते हैं मोस्टली ये डक्टलेस ग्लैंड होते हैं इनमें डक्ट्स नहीं होती हैं ठीक है एग्जोक्राइन ग्लैंड मोस्टली आपको कहा दिखता है स्लाइवा में स्लाइवरी ग्लैंड में गैस्ट्रिक ग्लैंड में इंटेस्टाइनल ग्लैंड में ओके टीयर ग्लैंड आ गया स्वेट ग्लैंड आ गया इन सब में एग्जोक्राइन होता है ठीक है जो तुम्हारा एंडोक्राइन है वो कहा दिखेगा तुम्हें कौन से ग्लैंड आएंगे एंडो में thyroid ग्लैंड थाइमस ग्लैंड फाइन adrenal ग्लैंड ठीक है तो ये चीजें होती हैं यू शुड नो अबाउट इट सो your करेक्ट आंसर इज सी Hormones. नेक्स्ट which ऑफ द फॉलोइंग जंक्शन helps टू स्टॉप substance फ्रॉम लीकिंग अगेंस्ट अ टिश्यू कौन सा जंक्शन है जो हेल्प करता है कि वो लीकेज टेकना प्लेस करे एडियरिंग बी गैप जंक्शन सी टाइट और डी लूज जंक्शन तो लीकेज कौन कहते हैं uh, स्टॉप करेगा या प्रिवेंट करेगा दैट इज सी टाइट जंक्शन ठीक है ना अब तुमने मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारे पास तीन तरह के जंक्शन के बारे में हम बात करेंगे टाइट जंक्शन एडियरिंग एंड गैप जंक्शन के बारे में टाइट जंक्शन तो तुम्हें पता चल गया ठीक है ये फ्यूज होते हैं टुगेदर और ये लीकेज को प्रिवेंट करते हैं ठीक है वैसे आ गया तुम्हारा गैप जंक्शन ठीक है आ, ये क्या करेंगे बेसिकली ये हेल्प करते हैं कि कम्युनिकेट करना सेल्स को कम्युनिकेट करने में और कनेक्ट करने में ये कनेक्शन में हेल्प करते हैं और ट्रांसफर करते हैं आयंस को मॉलिक्यूल्स को ठीक है ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं फिर आ गया एडेयरिंग जंक्शन ठीक है ये क्या करता है ये हेल्प करता है

सी एपिथीलियल और डी न्यूरल टिश्यू सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर सो मोस्ट अबेंडेंट जो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू ह्यूमन बॉडी में है दैट इज बी कनेक्टिव टिश्यू क्या है बी कनेक्टिव टिश्यू इनको कनेक्टेड टिश्यू क्यों कहा जाता है क्योंकि इनका फंक्शन होता है लिंकिंग स्पेशल फंक्शन होता है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज ठीक है लिंक करता है और सपोर्ट करता है अदर टिश्यूज को और ऑर्गन्स को हमारी बॉडी में फाइन सो बी इज योर कनेक्ट करेक्ट आंसर समझ गए <coughs> Next, which of the following represents the intercellular matrix of cartilage? A solid and pliable, B hard and non pliable, C solid and non pliable, and D hard and pliable. So, you have to tell me this. इंटरसेलोर जो मैट्रिक्स होता है कार्टिलेज का ठीक है वो क्या रिप्रेजेंट करता है योर करेक्ट आंसर इज दैट इज ए सॉलिड एंड प्लाबल प्लाएबल क्या हो गया कि जो ईजिली बेंड या फ्लेक्सीबल हो सकता है ठीक है अब हम जब बात करते हैं अबाउट द स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज की ठीक है आप कनेक्टिव टिश्यू जो भी होते हैं ना वो भी एक होते हैं ठीक है थीके? जब तुम एक पढ़ोगे जब तुम एक नॉर्मल कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हो ठीक है इसके बारे में तुमने पढ़ा देन ये भी दो टाइप्स का एक होता है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है जो नॉर्मल होता है ठीक है कनेक्टिव टिश्यू भी दो टाइप का होता है एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है और एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है ठीक है ये भी चीज़ तुम्हें पता है फाइन फिर और एक होते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं क्या होते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू ये तीन टाइप के होंगे ओके okay? फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू में तुम्हारा जो आ जाता है दैट इज एरियोलर आ जाता है एडिपोस टिश्यू आता है जो लूज होते हैं और रेटिकुलर टिश्यू आता है फाइन जो तुम्हारा डेंस हो गया मतलब जो लूजली प्लेस्ड होते हैं इसमें जो सेल्स होंगे और लूजली अरेन्ज होते हैं जो डेंस होता है उसमें हाईली कॉम्पैक्ट होंगे है ना जो डेंस होगा वो ऑब्वियसली हाईली कॉम्पैक्ट होंगे जैसे फाइब्रोब्लास्ट हो गए है ना फाइबर्स हो गए ये सारे बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट uh, में प्रेजेंट होते हैं ठीक है तुम्हारे जैसे टेंडोंस लिगामेंट्स हो गए ना उसमें डेंस फाइबर्स होते हैं या डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है तुम्हारे लिगामेंट्स वगैरह जो है ठीक है फिर उसके बाद आता है तुम्हारा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ठीक है जब हम स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहे हैं तो उसमें जो आता है हम पढ़ते हैं बोन के बारे में कार्टिलेज के बारे में और लिम्फ के बारे में ठीक है ये तुम्हारे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज हैं फाइन जब हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो कार्टिलेज क्या है कार्टिलेज क्या है बेसिकली स्केल्टल टिश्यू है ये क्या होता है एक तरह का स्केल्टल टिश्यू होता है ठीक है ये स्ट्रोंग भी होता है और इलास्टिक भी होता है जो कार्टिलेज होता है स्ट्रॉन्ग है पर इलास्टिक है ये सॉफ्ट होता है बोन की तरह अब तुम्हें ये तुम्हारे ही बॉडी में है ये तुम्हें कार्टिलेज पता ही पता है जो स्ट्रॉन्ग भी है उतना पर उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है दैट इज़ ये सॉलिड भी होते हैं प्लाइबल होते हैं जैसे एग्जाम्पल योर एयर्स अपने अपने देखिए कान स्ट्रांग भी हैं ऐसे टूट भी नहीं सकता पर उन वो फ्लेक्सिबल भी है ठीक है

बी लिम्फ सी वाटर और डी सिबम ये सबको ही पता है मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड जो हमारी बॉडी में होता है वो क्या होता है दैट इज़ ए ब्लड ठीक है ब्लड जो होता है ये फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू होता है ठीक है जो क्या कंटेन करता है प्लाज्मा सबको पता है क्या रेड ब्लड सेल्स होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं और प्लेटलेट्स होता है ठीक है ये क्या करता है हेल्प करने में ट्रांसपोर्ट ऑफ द फ्लूड सब्सटांसेस ठीक है समझ गए सो ए इज य करेक्ट आंसर नेक्स्ट वट द मसल फाइबर्स कंजिस्ट ऑफ ए फिब्रोसाइट्स बी शॉर्ट फिब्रिल्स सी फाइब्रोब्लास्ट और डी माइफिब्रिल्स ठीक है सो योर करेक्ट आंसर इज मसल फाइबर में क्या होता है फिब्रलोसाइड्स होते हैं या शॉर्ट फेब्रिल्स फाइब्रोब्लास्ट होते हैं या माइफिब्रिल्स तो मसल टिश्यू में होता है मसल फाइबर्स में होता है डी मायोफिब्रिल्स होते हैं ठीक है थीके? जो मस्कुलर टिश्यू होता है ना तुम्हारा ठीक है उसकी एक यूनिक एबिलिटी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी हो सकता है ठीक है इसकी एक मेन फंक्शन है ठीक है अब ये न्यूमरस फिब्रिल्स का बना होता है जिसका नाम क्या होता है मायोफिब्रिल्स ये तो तुम्हें पता चल गया और ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब ये इनको स्टिमुलेट करोगे तो क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ओके और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे भी वापस चल जाते हैं ठीक है जो मसल सेल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं थोड़ा सा इसके बारे में बता रही हूं जो मसल सेल्स होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं स्केल्टल स्मूथ और कार्डियक मसल्स होते हैं मसल स्मूथ मसल एंड कार्डियक मसल होते हैं ठीक है सो जो मसल फाइबर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं इन द मसल टिश्यू दैट इज ऑफ माइफिब्रिल से बने होते हैं ओके नेक्स्ट फिफ्टींथ क्वेश्चन पिक्चर द फॉलिंग इज नॉट करेक्ट लोकेशन ऑफ स्मूथ मसल्स स्मूथ मसल्स की कौन सी करेक्ट लोकेशन नहीं है ए स्टमक बी बोन्स सी ब्लड वेसल्स और डी इंटेस्टाइन सो करेक्ट आंसर इज बी बोन्स ठीक है कौन सी करेक्ट लोकेशन नहीं है ऑफ द स्मूथ मसल जो वॉल्स होती हैं तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स की ठीक है एज जैसे ब्लड वेसल्स हो गए ठीक है स्टमक हो गया इंटेस्टाइन हो गया ठीक है <coughs> इनमें क्या होता है स्मूथ मसल्स होते हैं क्या होते हैं स्मूथ मसल कंटेन करते हैं और ये क्या होते हैं दे आर इनवॉलेंट्री होते हैं मतलब इनका जो फंक्शन है वो डायरेक्टली हम कंट्रोल नहीं कर सकते ये ये मसल मसल्स होते हैं इन इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं जिनका आप ये नहीं होता कि आप इसको स्टिमुलेट करोगे और ये एक्शन परफॉर्म करेंगे ठीक है ये अंदर की लाइनिंग्स होती हैं सो दे आर इनवॉलेंट्रीली इनको हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सो बोन्स इज द आंसर बी ओके okay. चले नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग टिश्यू एक्सर्ट्स द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी जो ग्रेटेस्ट कंट्रोल क्या कौन करता है ए कनेक्टिव टिश्यू बी मस्कुलर सी न्यूरल और डी एपिथिलियल टिश्यू सो करेक्ट आंसर इज सी न्यूरल टिश्यू ठीक है इसका सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है हमारी बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस में ठीक है न्यूरॉन्स जो होते हैं ठीक है जो यूनिट है किसका हमारे न्यूरल सिस्टम का जो यूनिट है दैट इज न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स ये हैं जो कंट्रोल करते हैं बेसिकली हमारा जो हम जवाब देते हैं हमारे हर एक बॉडी फंक्शन को दीज इज मेजरली कंट्रोल्ड बाय द न्यूरल टिश्यू सो सी इज योर करेक्ट आंसर ओके नेक्स्ट Which of the following cells make more than half of the volume of neural tissues? A. microglial cells, B. epithelial cells, C. neuroglial cells, or D. macrophages. <coughs> so, what is your answer? Your correct answer is C. न्यूरोग्लायल सेल्स ठीक है ये बनाते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू ठीक है इनका काम होता है कि ये प्रोटेक्ट करते हैं ठीक है सपोर्ट करते हैं एंड बेसिकली इंसुलेट करते हैं न्यूरॉन्स को ओके okay? और ये क्या कर सकते हैं डिवाइड कर सकते हैं डिवाइड और रीजनरेशन पावर होती है इनमें इनका फंक्शन ये होता है ठीक है ये डिवाइड कर सकते हैं और इनमें क्या होती है रीजनरेशन की पावर होती है फाइन अब तुम्हें पता ही है न्यूरल टिश्यू क्या होता है एक नर्व इम्पर्स कंडक्शन करता है और ये न्यूरॉन्स का बना होता है है ना किसका बना होता है न्यूरॉन्स का इसी की बात हो रही थी ना ठीक है और न्यूरॉन्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में और नर्व्स में ठीक है अब जो तुम्हारा न्यूरोलॉजी होता है ठीक है ये जो होता है तुम्हारा मोस्टली हाफ ऑफ द वॉल्यूम और न्यूरल टिश्यूज़ कंटेन करता है ठीक है ये जो तुम्हारे न्यूरोग्लाइस सेल्स हैं फाइन और ये तुम्हारा न्यूरॉन किसका बना होता है जो तुम्हारा न्यूरॉन है वो बना होता है ऑफ द साइट एक्जोन ये तुमने स्ट्रक्चर सब ने पढ़ा है है ना साइटोन एंड डेंट्राइड्स का ठीक है तो यू शुड नो दिस सी इज़ यो करेक्ट आंसर चले नेक्स्ट वट टाइप ऑफ टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ डक्ट्स डक्ट्स में कौन सी तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं ए कनेक्टिव बी न्यूरल सी मस्कुलर और डी एपिथेलियल यह हमने अभी पढ़ा था डक्ट्स में ट्यूब्स में किस तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं एवरी वन नोज इट डी एपिथेलियल ठीक है मोस्टली ट्यूब्स में होते हैं ठीक है नेक्स्ट वट इज द मेन फंक्शन ऑफ कंपाउंड एपीथीलियम कंपाउंड जो एपीथीलियम है उसका मेन फंक्शन क्या है अगर तुमने पढ़ा हो तो तुम्हें पता होगा कि कंपाउंड एपिथीलियम भी दो टाइप का है क्या है एक होता है स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम और एक होता है ट्रांजिशनल एपिथीलियम ठीक है ये मैं सिर्फ ऊपर से बता रही हूँ इतना डेप्थ में नहीं जाना है ठीक है फिर जो तुम्हारा स्ट्रेटिफाइड भी होता है वो भी फर्दर किस तरह का होता है स्ट्रेटिफाइड स्केमर्स स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर ये उसके फर्दर टाइप्स है सिलिएटेड ओके okay? तो ये अब मेन फंक्शन क्या होता है कंपाउंड एपिथीलियम का ए सिक्रीशन बी प्रोटेक्शन सी एब्जॉर्बशन और डी डिस्चार्ज तुम्हें याद है हमने पढ़ा था अभी सिंपल के बारे में भी पूछा गया था तो कंपाउंड का क्या आंसर है सो योर करेक्ट आंसर इज बी प्रोटेक्शन क्या है बी प्रोटेक्शन ओके कंपाउंड एपिथेलियम क्या होता है ये मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स का बना होता है इसमें क्या होगी मोर देन एक सेल ऑफ लेयर्स का बना होगा ठीक है और इनका मिनिमल रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्बशन में सो दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल पर इसका जो मेन फंक्शन होता है ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेसेस जब भी कोई स्ट्रेस वाला एरिया होगा वो मैकेनिकल हो या केमिकल हो ठीक है तो ये स्ट्रेसेस के अगेंस्ट हेल्प करेगा ठीक है चले नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सेलर जंक्शंस क्रिएट अ साइटोप्लाजमिक कनेक्शन बिटवीन एडवाइनिंग सेल्स ए टाइट जंक्शन बी एयरिंग सी गैप और डी ओक्लूडिंग जंक्शन ये अभी जस्ट हमने पढ़ा जस्ट अभी हमने तीनों टाइप के जंक्शन पढ़े और उनके फंक्शंस पड़े हैं सो वॉट इज द आंसर दैट इज़ सी गैप जंक्शन ठीक है ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ठीक है और ये क्या करता है आयंस एक्सचेंज करने में स्मॉल मॉलिक्यूल्स या बिग मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हेल्प करेगा एक्सचेंज ऑफ आयंस वगैरह के लिए सो सी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट विच ऑफ दीज इज नॉट अ सेकेंडरी लिफॉइड ऑर्गेन अब हम ऑर्गेन की बात करें हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ लिया हमने सेल्स के बारे में पढ़ लिया अब हम ऑर्गेन्स के बारे में जा रहे हैं ठीक है सो विच ऑफ द इफ दिस इज नॉट द सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गेन ए नोड्स, बी टॉन्सिल, सी स्प्लीन और डी थाइमस करेक्ट आंसर इज डी थाइमस ओके इन्होंने कहा कि इनमें से कौन सा सेकेंडरी लिंफॉइड ऑर्गेन नहीं है जो तुम्हारा थाइमस होता है और बोन मैरो होता है ये तुम्हारे प्राइमरी लिंफॉयड ऑर्गन्स हैं क्या है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स है और सेकेंडरी में आते हैं तुम्हारे टॉन्सल्स एंड स्प्लीन ये तुम्हारे सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स हैं ठीक है थीके? जब हम ऑर्गन्स की बात करते हैं जो लिम्फ होता है लिम्फ <coughs> होता क्या बेसिकली ठीक है अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है जब जब तुम्हारा कोई वाटर या वाटर सोल्यूबल सब्सटांसिस जो होते हैं ठीक है थीके? जब वो ब्लड के बाहर जाते हैं ठीक है थीके? कोई इंटस्टिशल स्पेसेस होती हैं बीच में तो उसके बीच में जब वो जाते हैं तो उस फ्लूड को कहा जाता है लिव अदर देन द ब्लड मतलब तुम्हारी कैपिलरीज को छोड़ के जब कोई एक वाटर या वाटर सेल्यूबल सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्लड को छोड़ के कुछ और एरिया में दैट इज प्लेसेस में चले जाते हैं उनको क्या कहा जाता है लिम्फ कहा जाता है ठीक है फिर लिम्फेटिक वेसल्स का तुम्हें पता ही है वो ड्रेनेज के लिए हेल्प करती हैं दिस एवरी वन नोस फाइन तो तुम्हारे लिम्फ नोड्स क्या हैं लिम्फ नोड्स जो होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं ये भी क्वेश्चन बताया जा सकता है वो बनाते हैं लिम्फोसाइट्स क्या बनाते हैं लिम्फोसाइट्स बनाते हैं ठीक है चले नेक्स्ट ऑस्टेसाइड्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड डैश ए लैमिला बी लैक्यूने लेक्रिमल सैक्स और डी लैसेटल्स करेक्ट आंसर इज डी लैक्यूने ठीक है ये जो बेसिकली ऑस्टिसड्स के होते हैं ये बोन सेल्स होते हैं ये सबको पता ही है ठीक है ये स्ट्रक्चर सपोर्ट देता है ये हार्ड होता है नॉन प्लायल होता है मतलब आप इसको इजिली फ्लेक्सीबल नहीं कर सकते हो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट द बोन ऑस्टिड जो सेल्स होते हैं ऑस्टिइड्स ठीक है अब इसका जो मैट्रिक्स बना होता है वो कौन सी केनाल से बना होता है ये हमने सब ने पढ़ा है वर्जन केनाल होती है है ना जो बोन्स के अंदर जब हम उसके पार्ट्स पढ़ते हैं यू विल नो दैट जो लैक्यूने होता है इसके अंदर बोन सेल्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है दैट इज ऑस्टियोसाइट्स ठीक है चीज सबको पता होनी चाहिए ओके नेक्स्ट वेन न्यूरोन इज स्टमुलेटेड द इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रेवल्स अलोंग द ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बी साइटोप्लाज्म सी साइटोस्केल्टन और डी एक्सट्रा सेलुलर मैट्रिक्स सो वॉट इज योर करेक्ट आंसर जब एक न्यूरॉन को स्ट्यूमुलेट किया जाता है तो इलेक्ट्रिकल uh, जो सिग्नल्स होते हैं वो कहाँ से ट्रैवल करते हैं योर करेक्ट आंसर इज दैट इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके फाइन तो ये न्यूरल टिश्यू के अंडर आता है ओके सो ए इज योर करेक्ट आंसर इसमें uh, मतलब एक सीरीज होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, में जिसमें पोलराइजेशन और डी टेक प्लेस करती है ये उसके थ्रू टेक प्लेस करता है ठीक है <coughs> और सिग्नल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स में भेजे जाते हैं ओके okay? एडिपोज टिश्यू क्या स्टोर करता है व्हाट डज द एडिपोज टिश्यू स्टोर ए प्रोटीन्स बी फैट सी ग्लाइकोजेन और डी वॉटर्स सबको पता है कि एडिपोस टिश्यू क्या करता है एडिपोस टिश्यू स्टोर करता है दैट इज बी फैट नाउ ये क्या है इट इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू की बात की है ठीक है जो एक्सेस न्यूट्रेंट होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं एज अ फॉर्म ऑफ फैट और ये प्रोटेक्ट करता है बॉडी को किससे शॉक से एंड स्ट्रेसेस से फाइन हो गया so by this we have come to an end about your tissues level cellular level organ level pe bhi pad liya bone pad li specialized tissues pade neural pada hai na humne ye different cheeze padi okay अब कल से हम जो पढ़ेंगे अब अब पढ़ेंगे ऑर्गन सिस्टम्स पे ठीक है अब उस लेवल पे पढ़ना है अब हम कल पढ़ेंगे अबाउट द अर्थ वॉर्म ठीक है अर्थ वॉर्म पे क्वेश्चंस होंगे अब उसका ट्रेस कहाँ होता है फ़ाइन फिर कहाँ विजिबिलिटी उसकी ज़्यादा है ओके okay. तो so, उसके कितने अपर्चर्स होते हैं उसकी ओपनिंग कहाँ से होती है उसके इंटेस्टाइन कैसा होता है सो so, एवरीथिंग, उसकी किडनी उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सब कुछ अब डिटेल में जाएंगे मतलब अब उसके ऑर्गन्स पढ़ेंगे डिटेल में ठीक है फिर विल डिस्कस अबाउट द ऑर्गन ऑफ द अर्थ फाइन और कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे ठीक है अर्थवॉर्म और कॉकरोच पे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे देन विल मूव टू फिश एंड फ्रॉग लेटर ओके तो ऐसे ही होगा कल तुम्हारी क्लास इसका पार्ट टू आएगा विल डिस्कस अबाउट द अर्थवॉर्म एंड कॉकरोच ऑर्गन सिस्टम ओके प्लीज इसको पढ़ना अच्छे से सो दैट यू गेट अ क्लियर पिक्चर इनको इसको वापस रिवाइज कीजिए वापस इस चैप्टर को पढ़िए जितना अभी तक हमने पढ़ा है और फिर से ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू ओके सो प्लीज परफॉर्म इट डू इट एंड गिव योरसेल्फ सेल्फ मार्क्स सो आपको पता चले कि आपके कितने आंसर सही हैं और गलत हैं कीप ऑन प्रैक्टिसिंग सो दैट इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑल द वेरी बेस्ट विल मीट यू टूमारो विद नेक्स्ट लेक्चर हैव अ नाइस डे टेक केयर